गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी डिस्कस अबाउट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस अपने किसे कहते हैं? इनएबिलिटी टू परसीव लाइट, एबिलिटी एबिलिटी परमानेंट और साइट। मतलब जो ब्लाइंडनेस मींस होता है, जो इनएबिलिटी, जो परसीव अपन अगर अपना इनएबिलिटी कर रहे हैं और जो अपने रेटिना तक नहीं पहुंच रही है उसको अपन, और इसको परमानेंटली साइट, मतलब जो परमानेंट भी डैमेज हो सकती है उसको अपन टोटल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, पार्शली ब्लाइंडनेस मतलब विजुअली एक्यूटी और लेस देन 3/60 सनाइल और इट इक्विवेलेंट इनएबिलिटी टू काउंट फिगर इन अ डे लाइट एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर और टोटल ब्लाइंडनेस। पार्शली ब्लाइंडनेस मतलब ये होता है जो इक्वल मतलब विजुअल एक्यूटी होती है वो लेस देन 3/60 और इट्स इक्विवेलेंट इनएबिलिटी टू काउंट फिगर इन अ डे लाइट एट द डिस्टेंस ऑफ, जो 3 मीटर से अपन जो डिस्टेंस है अगर अपन उसको इक्वली मतलब विजिबल नहीं देख सकते तो उसको अपन पार्शली ब्लाइंडनेस कहते हैं। और टोटल ब्लाइंडनेस मींस होता है जो अपनी एबिलिटी मतलब जो टोटल ब्लाइंडनेस मतलब होता है जिसकी इनसाइट बिल्कुल नहीं है, वो देख नहीं सकता बिल्कुल, उसको अपन टोटल ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर अपन देखते हैं इंडियन सेरेनो, इसके अंदर होता है कॉज फॉर ब्लाइंडनेस किस कारण की वजह से और परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन कितने, जो कैटरेक्ट के अंदर है वो 60.6%, मतलब कैटरेक्ट जितने लोग परसेंट। फिर आता है सेकेंड वन इज़ अ रिफ्रैक्टिव एरर, इसके अंदर 19.7%, ग्लूकेमा की वजह से 8.5%, कोरिनिलिया पैथोलॉजीज मतलब 0.9% इससे इफेक्ट होता है पेशेंट, अदर कॉजेज 11%। जैसे ये कैटरेक्ट है अपने इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ विजिबल इम्पेयरमेंट आर अनकंट्रोल रिफ्लेक्टिव एरर, कैटरेक्ट, ग्लूकेमा, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले अनकंट्रोलेबल रिफ्लेक्टिव एरर। रिफ्लेक्टिव एरर मीन्स क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिव एयर के अंदर ये होता है जो अपनी आईबॉल होती है वो तो उसके अंदर जो लॉन्ग और शॉर्ट जो रेटिना की जो इमेज बनती है वो उससे या तो आगे बनती है पर्दे पे या उससे पीछे बनती है, उसको अपन रिफ्लेक्टिव एयर कहते हैं। रिफ्लेक्टिव एयर के अंदर क्या क्या आता है? मायोपिया आता है, एस्टिग्मेशन आता है, हाइपरमेट्रोपिया आता है। फिर अपन सबसे पहले देखते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया के अंदर अपन ये देखते हैं जो अपनी पास की वस्तु है उसका जो विजन है जो रेटिना के पहले बनता है और वो उस पर जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बनता है, इसलिए इसकी जो दूरी होती है वो कम होती है। इसमें अपन जैसे नेगेटिव चश्मे अपने गूगल से वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एस्टिग्मेशन के अंदर जो रेटिना का पार्ट है वो कवर करता है जिसमें जो लाइट का ऑब्जेक्ट है, लाइट का जो ऑब्जेक्ट पर नहीं है वो बहुत मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट है जो रेटिना कवर करता है उस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसको अपन एस्टिग्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपरमेट्रोसिस और इसको फास्टिग्लेट भी कहते हैं, जिससे जो लाइट का इमेज है वो रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के पीछे बनता है जिससे इसकी दूरी ज़्यादा होती है, उससे पास अपन इसको नहीं देख सकते। नेक्स्ट अपन देखते हैं एज रिलेटेड जो डीजनरेशन है वो अपने धीरे धीरे एज रिलेटेड डीजनरेशन बॉडी के अंदर होते हैं आई की वजह से, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिक डिटर्मिनेशन के अंदर इसमें जैसे एज हो सकता है, माल न्यूट्रिशन होता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, अवेयरनेस नहीं है किसी पेशेंट को, और असेस फॉर द हेल्थ केयर। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस ऑफ ब्लाइंडनेस, अपन इसको कैसे प्रिवेंट करके कर सकते हैं। न्यूट्रिशन अच्छा खाएं, अपने जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर की सलाह से जो फॉलोअप केयर लें, डॉक्टर अपने को जब बुलाए उसके टाइम जाए, कंट्रोल इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन है तो उसको कैसे मतलब एंटीबायोटिक या डॉक्टर से सलाह लेके एंटीबायोटिक लें। प्रोवाइड सेफ्टी कंडीशन, इम्प्रूविंग सेफ्टी कंडीशन, कैसे अपने सेफ्टी कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर वेस्ट एंड डिस्पोजेबल और पर्सनल हाइजीन। प्रॉपर वेस्ट एंड डिस्पोजल के अंदर स्ट्रीट वेस्ट आ जाएगा जिसमें लीव्स हो जाएगी, पेपर हो जाएंगे, स्ट्रॉ हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएगा। मार्केट वेस्ट के अंदर अपने वेजिटेबल्स एंड एनिमल मैटर हो जाएगा,
लीटर के अंदर एनिमल ड्रॉपिंग, एनिमल फीड, एनिमल सीड हो जाएगा। डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर अपनी रबिंग होगी, गार्बेज हो गया। जो पर्सनल हाइजीन होगा उसके अंदर अपने वॉश हैंड हो जाएगा ऑफन, डेली बात हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल है विद आई इन्फेक्शन है तो अगर, और आई की हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के अंदर अपने वॉश हैंड बताएंगे, डेली बात यूज़ मतलब डेली बात करना चाहिए अपने इन्फेक्शन कम कर, ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल जो आई इन्फेक्शन है और आई हाइजीन बताना। आई इंजरीज कैन बी इंजर्ड बाई सेफ ऑब्जेक्ट फॉर द केमिकल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द यूजली इन्फेक्टीज और होम। जो मतलब आई इंजरी होती है शार्प ऑब्जेक्ट से, वो तो या तो केमिकल की वजह से हो सकती है, यूजली फैक्ट्री या होम के अंदर हो सकती है। द आई गेट इन्फ्लेम्ड एंड द अदर आई कैन ऑल्सो शो अ सिमिलर रिएक्शन। इसमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज़ टू बी यूज इफ इंजरी आर एंटीसेप्टिक। द इंजर्ड पर्सन हैज़ टू बी इमिडिएटली एक्सप्लेन बाय द आई डॉक्टर टू सी द एक्सटेंट ऑफ इंजरी। द फॉरेन बॉडी हैज़ टू बी रिमूव्ड। अगर आई में कोई इंजरी होगी इमिडिएट, तो उसको डॉक्टर को दिखा के उसमें जो भी फॉरेन बॉडी गई है उसको रिमूव करवाना। इन्फ्लेमेशन हैज़ बी ट्रीटेड केयरफुली। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट, डॉक्टर जो उसको ट्रीटमेंट करे उसको मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है। जो आई ड्रॉप दे वो प्रिस्क्राइब की उसको प्रॉपर आई में। द पर्सन हैज़ टू बी अंडर मेडिकल केयर टिल शी और इज़ एब्सोल्युटली सेफ। जैसे आई में कोई इंजरी हो गया, कोई फॉरेन बॉडी चली गई, तो अपने उसको डॉक्टर से सलाह द्वारा उसको वॉश, मलाई को वॉश करवाना, और जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसको आई ड्रॉप या जो भी लिखे उसको कैटरेक्ट। वॉट इज़ अ कैटरेक्ट? कैटरेक्ट किसे बोलते हैं? कैटरेक्ट के अंदर जो लेंस होता है उसमें, लेंस में जो लेंस की पारदर्शिता होती है वो कम हो जाती है, जिससे दिखना कम हो जाता है। तो चश्मे से भी इसमें सामने जो पीपल होता है उसमें जो मतलब ये ब्लैक या मतलब ग्रेस या वाइट भी हो सकता है, जिसको सैनी कैटरेक्ट बोलते हैं। इसमें जो अपनी जो पीपल होती है जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है अपने को आई के अंदर, उसको अपन उसे कैटरेक्ट बोलते हैं। वो जैसे अपना अगर वो पक जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, ग्रेश वाइट कलर का, तो उसे, और या वो कच्चा रहता है तो उसको अपने को डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके अगर कैटरेक्ट है तो उसको चेंज करवाना चाहिए डॉक्टर से। कैटरेक्ट द लेंस ऑफ द आई बिकम थिक एंड लेस ट्रांसपेरेंट होता है, या थिक होता है या लेस ट्रांसपेरेंट होता है। इट मीन्स डेट द रेज ऑफ लाइट डिफाइन द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी पास थ्रू द लेंस एज बिफोर। जो जो रेज बनती है वो उसको पार करके रेटिना पर नहीं जाती, जिससे अपने को धुंधला दिखाई देता है या दिखना भी बहुत कम हो जाता है। थस आई साइट बिकम अ डिम। जो आई आपकी साइट होती है वो डिम हो जाती, मतलब आपको दिखना कम हो जाता है। एज द लेंस थिकर फर्दर इट कैन बी ब्रस्ट एंड कॉज परमानेंटली डैमेज। अगर उसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो लेंस आपके आई को डैमेज कर सकता है। द लेंस कैन ईजीली टू रिमूव बाई सर्जरी। ये जो लेंस है वो फेको सर्जरी या सर्जरी द्वारा रिमूव किया जाता है। एंड आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड विच रिस्टोर द साइट। मतलब जो आर्टिफिशियल लेंस है वो आपकी आँख में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे आपको वापस आपको देखने में आसानी होती है। एज दे डू नॉट नो अबाउट कैटरेक्ट और बिकॉज दे कैन नॉट बी गेट मेडिकल सर्विसेज हाउ बिकम ब्लाइंड ड्यू टू कैटरेक्ट। ग्लूकोमा, देर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ फ्लूड इन द आई। फ्लूड इज सिक्रेटेड बाई ग्लैंड एंड रिमूव थ्रू द डक्ट। इफ देर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू दिस फ्लो, प्रेशर इन द आई इंक्रीज, इट इज कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ग्लूकोमा। दिस कॉज हेड एक, ऑब्जेक्ट हैवी विजन, सडन लॉस ऑफ विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, कैन कॉज परमानेंटली डैमेज ऑफ नर्व ऑफ द आई। द कंडीशन कैन अराइज सडनली और ओवर द आई, एक्यूट और क्रोनिक। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। दीज सिम्टम आर एक्सप्लेन, यू नीड टू कंसल्ट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इफ यू हैव अबव 50, चेक योर आई एनुअली। मतलब अगर आपकी एज 50 साल हो गई है तो आपको जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उससे अपनी आई है उसको चेक करना, ईयरली चेक करवाना चाहिए। इट डिस्कवर अर्ली ग्लूकोमा कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर अपने आपको अपन फॉलोअप केयर द्वारा चेक करवाते हैं तो ईजीली डिटेक्ट हो जाता है, तो आप उसकी मेडिकेशन एंड सर्जरी हो जाएगी, नहीं तो आप आगे जाके आई डैमेज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव एरर, रिफ्लेक्टिव एरर, विजन इज अफेक्टेड इफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज द आई चेंजेस। शॉर्ट साइट में यू कैन
क्लियरली सीन ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो शॉर्ट साइट होती है उसमें आपको नियरली ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, डिस्टेंस इंक्रीज द विजन इज ब्लर, जो दूर का विजन है वो आपको ब्लर विजन मतलब साफ धुंधला दिखाई देगा, लॉन्ग साइट में यू कैन क्लियरली सी ओनली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखेगा, एज डिस्टेंस डिक्रीज द विजन इज ब्लर, जो विजन है वो ब्लर दिखेगा, और एस्टिगमेटिज्म थ्रू द यू कैन सी नियर द फार द इमेज इज ब्लर, जो आपको इसमें एस्टिगमेशन मतलब होता है मतलब इसमें एक डिफेक्ट होता है जो लेंस का, जो लाइट की वेव्स होती है वो आपको कम फ्रॉम द पॉइंट ड्यू मीट अ फोकल पॉइंट है, जो आपको मतलब पॉइंट पड़ता है उस पर जो आपकी विजन है वो क्लियर नहीं दिखाई देती आपको। करेक्टिंग डिफेक्टिव एरर, दिस कैन बी करेक्टेड बाई टेस्टेड फॉर आई एंड आई क्लिनिक एंड वियर अप्रोप्रिएट ग्लासेस, डॉक्टर आपको चेक करके सेनाइल से जो आपको जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा वो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देता है। कंपोनेंट ऑफ फॉर एक्शन, प्राइमरी केयर में एक्यूट कंजक्टाइटिस, ट्रेकोमा, सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी, एब्जॉर्बथेलमिया, प्रमोशन ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन इम्प्रूव करना। सेकेंडरी केयर के अंदर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ब्लाइंडिंग कंडीशन सच एज कैटरेक्ट, ट्राइकोसिस, ओकुलर ट्रोमा, ग्लूकोमा, PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मोबाइल एंड आई क्लिनिक। टर्शरी केयर के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, आई बैंक, रिहेबिलिटेशन ऑफ द ब्लाइंड इन मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट। जो टर्शरी जो प्राइमरी केयर के ऊपर जो भी एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है वो आपको प्रमोशन, पर्सनल हाइजीन और मेंटेन करना। सेकेंडरी के अंदर आप PSC के अंदर कोई मतलब या मोबाइल टीम के द्वारा, टर्शरी के अंदर मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट या आई बैंक वगैरह देख सकते। अदर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, आर द विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है, मीजल्स हो सकता है, और सीवियर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ट्यूमर एंड अदर डिजीज ऑफ द आई हो सकता है, और ऑन्कोकियासिस हो सकता है, जो पैरासाइट है इसकी वजह से बॉडी में अगर पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर हो जाएगा तो उसको रिवर ब्लाइंड भी बोलते हैं अपने, जो पैरासाइट जो आई में चला जाता है उससे अपने बचाना है। अपन ने देखा आज ब्लाइंडनेस के बारे में, ब्लाइंडनेस जो ब्लाइंडनेस है उसमें जो विजन की एक्टिविटी है वो लेस हो जाती है 360 और इट्स इक्विवेलेंट हो जाता है, जिसमें विजन है जो 10% से कम हो जाता है, जो WHO ने 1977 के अंदर ये इसका एक बनाया हुआ नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ब्लाइंडनेस भी बना रखा है, इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस देना आई के बारे में, और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी जो डेथ है कैटरेक्ट हो रहा है उनको मिनिमाइज करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर डिस्कसिंग द टॉपिक।